बन्ना जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कोरोना की जी दूसरी तीसरी लहर से हम डर रहे हैं अभी से, वो बेहद खतरनाक है, चेतावनी इस बात की है, लेकिन दूसरी लहर गांवों तक पहुंच चुकी है, डरा रही है। उस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। इससे पहले आपके मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के बारे में कहा कि वो सिर्फ मन की बात करते हैं, उन्हें काम की बात करनी चाहिए। ऐसी क्या बात कर दी पीएम मोदी ने जो ये कहना पड़ा? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री हमारे भी हैं और हम सभी लोगों को प्रधानमंत्री जी का बड़ा सम्मान है, लेकिन प्रधानमंत्री जी से आज के दिन में लोग ये आशा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कुछ एक रास्ता ऐसा निकाले जिस रास्ते से हम जो है इस कोरोना के संकट से एक मजबूत रणनीति बनाने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने बातचीत किया, बातचीत करने पर उन्होंने सिर्फ अपनी बातों को कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई भी बात को सुना नहीं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ दिशा निर्देश भी देने थे और उनको भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी राज्य से संबंधित समस्याओं से संबंधित बातचीत करनी थी। जी तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोई अपमान नहीं किया है, हम अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को भी यदि आप कहेंगे कि ये सम्मान के विरुद्ध है तो ये अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने का हक इस लोकतंत्र में किसी को किसी ने नहीं दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए कि जब कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री से बातचीत करें तो कम से कम कोई ठोस रणनीति पे बात होनी चाहिए, कोई ठोस बातचीत पर बातचीत होनी चाहिए। केवल कोरम पूरा कर देना और अपनी बात को कह देना और कह के रख देना, ये शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि आज जरूरत यह है कि फेडरल गवर्नमेंट एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में इस कोविड-19 के इस अभिशाप से मुक्ति के लिए केंद्र और राज्य की सरकार, चाहे हमारे 100 राजनीतिक बन्ना मतांतर जी, हो सकते हैं, लेकिन हमको और केंद्र को ये चाहिए कि आज मानव हित में, राज्य हित में, राष्ट्र हित में हमको अपने सभी चीजों को छोड़कर केवल और केवल कोरोना की इस अभिशाप से मुक्ति और राज्य की जनता कैसे इस मातम और मृत्यु से बचे और कैसे इस अभिशाप से मुक्ति हो, इस पर विचार करना चाहिए, ना ठीक कि है हम और आप मिलकर कोई भी राजनीति केवल उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए काम करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। बन्ना जी, ठीक है आपकी बात, लेकिन ये भी तो है ना कि जब दो लोगों की बात होती है तो आप अपनी बात, आपके मुख्यमंत्री अपनी बात रख सकते हेलो थे। खैर, क्योंकि हम हेलो, यहाँ गांवों में, हम कोरोना अरे पहुंच मेरी रहा आवाज नहीं है, जा रही, बंद क्यों वो थे? बहुत ज्यादा सुन पा रहे हैं आवाज सर हमारी आप बन्ना जी? असलम शेख जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असलम जी, महाराष्ट्र ने पहली लहर में भी बहुत ज्यादा परेशानियां देखी, दूसरी लहर में बहुत ज्यादा प्रभावित रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऑक्सीजन मॉडल की, महाराष्ट्र मुंबई की तारीफ की, बीएमसी की तारीफ की, लेकिन अब ये जो गांवों में पहुंच रहा है, क्या स्थिति है इस वक्त गांवों में महाराष्ट्र के, और वहां आप कोरोना से कैसे निपट रहे हैं? देखिए, पहले फेस में भी अगर आप देखेंगे तो मुंबई और महाराष्ट्र में केसेस बहुत ज़्यादा आए थे, और पहले फेस में भी जिस तरीके से हमने मुंबई शहर में और बाकी के जिलों में डील किया था, उसकी सराहना सिर्फ आईसीएमआर नहीं तो WHO ने भी किया था। अब ये दूसरी लहर में भी बहुत ज़्यादा पेशेंट जब हमारे पास आए, तब भी अफरा तफरी का माहौल कम से कम हमने इस मुंबई शहर और महाराष्ट्र में होने नहीं दिया। जो मैनेजमेंट थोड़ा सा बिखरा हुआ था केंद्र सरकार की तरफ से, जो मदद टाइम पे मिलनी चाहिए थी वो थोड़ी सी मैनेजमेंट ठीक नहीं हो पाई, लेकिन आज की तारीख में हमने मुंबई में और जहाँ जहाँ जिस जिलाओं में हमारे बड़े अस्पताल हैं जी उसको स्वयं सक्षम हमने टाइम पे किया, ताकि ऑक्सीजन के लिए हमें किसी के पास जो है ज़्यादा इंतज़ार करना ना पड़े, हम अपनी ताकत पर ही इसको ठीक ठाक कर सकें।